can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio station. Assalamualaikum and welcome to Joker Gaming Channel. और आज जो हम रिव्यू करेंगे वो करेंगे Realme C3 का। ये मोबाइल आज ही परचेज किया था हमने अपने छोटे भाई के लिए, और इसका जो रैप वगैरह उतर चुका है इस बॉक्स का वो आप देख ही सकते हो कि वो इसलिए उतरा था क्योंकि हमने परचेज किया है इसे, और परचेज करने के बाद वारंटी क्लेम वगैरह करवाई थी, और उस सब चक्कर में जो है इसका रैपर करना पड़ा था। बाकी ये PTF प्रूफ्ड है, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमें बॉक्स के अंदर क्या मिलता है। इसका रिव्यू करेंगे जल्दी से और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर से क्या निकलता है। तो लेट्स बिगिन। और जैसे ही हम बॉक्स ओपन करते हैं सबसे ऊपर हमारा मोबाइल फ़ोन हमें मिल जाता है, ठीक है। और ये जो है ये ब्लू कलर में मिला मुझे, रेड कलर में नहीं मिला। इसका रेड कलर काफ़ी अच्छा था लेकिन नहीं मिला। इसके रिव्यूज़ मैंने बहुत सारे देख रखे हैं, तो देखते हैं कि भाई मोबाइल की लुक कैसी है। वो चीज़ें भी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, और आपको ये भी दिखाता हूँ कि मोबाइल भाई दिखता कैसा है। तो ये है भाई अपना मोबाइल फ़ोन, और ये चेक करो भाई क्या शशका लुक है। टेक्स्चर चेक करो इसके, और ये चेक करो, ठीक है। तो उसके बाद ये वारंटी क्लेम कार्ड लगा हुआ है इसके ऊपर, और फिर आगे बॉक्स के अंदर फर्दर देख लेते हैं क्या क्या निकलता है। तो बॉक्स में आपको ये लिखा आ जाता है जी, हे वेलकम टू रियलमी फैमिली, और सॉरी और ये बाकी बुक्स हैं शायद, आई थिंक ये जो नोटबुक आती है साथ पढ़ने के लिए गाइडलाइन, ये कभी नहीं पढ़ते हम में से कोई नहीं पढ़ता, ठीक है। ये मोबाइल का कवर, ये शायद मैंने अंदर रख दिया था। उसके बाद एक चीज़ ये देख लो कि ये हमारा आता है केबल, चार्जिंग केबल आती है, ठीक है, चार्जिंग केबल आती है। उसके अलावा हमारे पास ये चार्जर आ जाता है अपना, इसे मैंने अभी यूज़ नहीं किया। और ये है कोई 240 वाल्ट 0.4 एम्पेयर, और आउटपुट देता है ये 5 वाल्ट = 2 एम्पेयर, मतलब नॉर्मल चार्जिंग करता है, कोई फास्ट चार्जिंग ऑप्शन नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद ये आपका मोबाइल फ़ोन है। इस मोबाइल फ़ोन का ये कवर परचेज़ कर लिया था मैंने ताकि ये ख़राब ना हो बैक साइड इसकी। उसके बाद जी मोबाइल की अमेजिंग चीज़ें कुछ ऐसी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब आप लोगों को बताना चाहूँगा मैं। जैसे कि ये भाई एंड्रॉयड 10.0 है, तो आप ये चेक कर सकते हो भाई कि इसको स्वाइप अप स्वाइप डाउन करो तो कितना मज़े का लुक देता है ये। उसके बाद फदर क्या चीज़ें हैं, इसका सॉफ्टवेयर, इसका GPU, ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको बॉक्स के ऊपर भी मिल जाती हैं। बॉक्स के ऊपर आप ये देख सकते हो 3GB 32GB वाला वेरिएंट है ये। उसके बाद LTE, ठीक है, 4G सपोर्ट करता है। और सबसे मज़े की जो चीज़ है वो ये है कि इसका एक तो कलर फ्रोजन ब्लू है, और इसमें प्रोसेसर इधर नोट किया गया था, ये लिखा हुआ है ऊपर Helio G70, ठीक है, Helio G70 का प्रोसेसर है, 6.5 इंच फुल स्क्रीन है, ट्रिपल कैमरा है, 5000 MAh की बैटरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको देख के मैंने इसे लिया है। आप इसमें 10 से 12 घंटे लगातार पबजी मोबाइल खेल सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको मोबाइल के अंदर का सॉफ्टवेयर बिल्ड को सब कुछ दिखा देता हूँ। अबाउट फोन में जाके अबाउट सेक्शन में ये चीज़ें आप देख सकते हो। ये है रियलमी C3 बेस बैंड है, ठीक है, कर्नल वर्जन है, G70 प्रोसेसर, 3GB रैम, 14GB अवेलेबल है क्योंकि हमने काफ़ी सारी चीज़ें इंस्टॉल कर ली हैं इसमें। और उसके अलावा और क्या है, आप 2 SIM कार्ड डाल सकते हो, सिम स्लॉट्स 2 हैं इसमें। मैं ओपन करके भी दिखा देता हूँ आपको, एक सेकेंड, इसकी सिम स्लॉट को ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर आपको आपका सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है, जिनको नहीं पता भाई उनके लिए ये गाइड कि ये सिम इजेक्टर टूल आपका अंदर लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये है सिम इजेक्टर टूल आपका, इसे निकाल लेते हैं। निकालने के बाद भाई आपको अपनी सिम कार्ड चेक भी दिखा देते हैं, और भाई साहब तो ये है जी सिम कार्ड जैक, इसमें आप देख सकते हो ड्यूअल सिम में, और आप इसके अलावा मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हो। अगर आप इसकी स्टोरेज बढ़ाना चाहते हो तो आप इसमें मेमोरी कार्ड डाल सकते हो, ठीक है। और बाकी इसकी ये सिम स्लॉट थी, और इसके अलावा अभी मैंने इसके ऊपर अभी इतना कुछ किया नहीं है, सिर्फ एक पबजी इंस्टॉल की है, और बाकी क्या कहते हैं ना कि इसमें कुछ नॉर्मल छोटे मोटे ऐप इंस्टॉल कर लिए थे। तो देख लेते हैं, ए पावर किया था स्ट्रीम टेस्ट के लिए, और कुछ चीज़ें इंस्टॉल करने के बाद मैंने इसको देखा है, पबजी खेल के चेक की है, क्योंकि मेन चीज़ है हमारी भाई पबजी मोबाइल। उसके बाद जो इसमें एक और चीज़ आती है जो रियलमी आपको देता है, वो है भाई कि ये आप इसको ऊपर से स्वाइप डाउन की तरफ करोगे तो ये आप चीज़ चेक कर रहे हो, ये बॉर्डर, ठीक है, ये गेम स्पेस का है। इस गेम स्पेस की सेटिंग आप कर सकते हो, मतलब आप अगर गेम खेल रहे हो भाई, पबजी खेल रहे हो,
पबजी के दौरान आप कोई नोटिफिकेशन नहीं चाहते, कुछ भी नहीं चाहते, आप चाहते हो कि भाई मुझे कोई बंदा डिस्टर्ब ना करे, ठीक है, डिस्टर्ब ना करे। तो उस सीन के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपना मतलब नोटिफिकेशन बार और ये सब कुछ कम्पिटिटिव मोड में रख के आप ये चीज़ें ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए पबजी को ऑन करके दिखा देता हूँ कि इसमें कोई लैग वगैरह कुछ आ तो नहीं रहा, ठीक है, लैग वगैरह सब सीन यस हैं, ये चीज़ देख लेते हैं। और डेटा कनेक्ट है मेरा, ओके, तो ये देख लो अभी, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इंस्टॉल नहीं की, तो ये चेक कर सकते हो कि मतलब आपको बिल्कुल ज़ीरो लैग मिल रहा है फ़िलहाल इधर के लिए। अब आप देख सकते हो कि गेम ऑन हो चुकी है। गेम ऑन होने के बाद आपको जो मेन चीज़ देखने को मिलती है वो ये होती है, ठीक है, आप इस स्क्रीन को ऐसे ऐसे करके चेक करते हो कि स्मूथ चल रही है कि नहीं। भाई भाई मुझे तो ऐसे करने में जो मज़ा आ रहा है ना। और उसके बाद सेकंड थिंग ये होती है कि आप अपने ग्राफिक सेटिंग्स देखते हो कि ग्राफिक सेटिंग ये कहाँ तक सपोर्ट करता है। तो आपका भाई ये स्मूथ सेटिंग्स पे अल्ट्रा तक सपोर्ट करेगा। उसके बाद अगर आप बैलेंस्ड पे चाहते हो तो बैलेंस्ड पे भी ये अल्ट्रा सेटिंग सपोर्ट कर रहा है, बहुत मज़े की बात है, एचडी पे हाई पे। तो भाई जिस हिसाब का ये फ़ोन है, जिस मिड रेंज की रेंज में ये आता है, उस हिसाब से भाई ये अपनी बेस्ट दे रहा है, मतलब अपने बेस्ट सेटिंग्स दे रहा है, ठीक है। उसके बाद और क्या चीज़ चेक कर रही है, सेंसिटिविटी हो गई, ये सब कुछ तो खैर मैंने एडजस्ट कर लिया था। थोड़ा सा पबजी का गेम प्ले करेंगे और गेम प्ले करके दिखाएंगे भाई के कैसा मज़ा आ रहा है और कैसा गेम प्ले होता है इसके ऊपर, ये चीज़ हमें चेक करनी है। और लेट्स बिगन, देखते हैं भाई के क्या बनता है। और आपको इसकी गेम प्ले दिखा भी देता हूँ और आपके सामने ही करता हूँ भाई, क्योंकि मुझे इतनी खेलनी भी नहीं आती, फोर फिंगर नया नया हूँ भाई, ठीक है, मोबाइल आ जाया है तो कैसे खेल सकूँगा, लेकिन फोर फिंगर खेल के दिखाएंगे आपको। और इसके अलावा और क्या करूँ भाई, अभी अभी आप लोग बताओ कि भाई ये मोबाइल आपको कैसा लग रहा है। और अभी तक की अभी अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना, तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, मतलब बिल्कुल टाइम नहीं लेना, लाइक और सब्सक्राइब फौरन कर दो, ठीक है। और अभी चेक करते हैं भाई के फोर फिंगर पे आपका भाई कैसा खेलता है, ठीक है, ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो लेट्स सी ये क्या बनता है। आपके भाई को खेलना इतना खास नहीं आता, देखो मेरे जैसे ही है अगले भी। नाइस, एक किल हो गया। एक किल कर लिया बहुत मुश्किल से, देखते हैं क्या बनता है। अरे भाई साहब क्या मुंह पे पटकार मारा, क्या 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 ओपी भाई ओपी। हाँ इसकी साउंड टेस्टिंग आपको करके दिखा देंगे, थोड़ा सा गाना शाना चला के दिखा देंगे, दिखा देते हैं आपको वो भी दिखा देते हैं। अरे भाई एस के एस से मार है भाई, बहुत कल्प बात है ये। मैं टोटल बॉट हो चुका हूँ भाई। अरे भाई लगी तो सही यार, तुम लोग ऑटो यूज करोगे तो वो कैसे वो यूज करेंगे भाई, कोई भी स्नाइपर यूज नहीं करेगा उनमें से। लेकिन आप इस गेम की स्मूथनेस चेक कर सकते हो, मतलब गेम टोटल स्मूथ चल रही है, गेम में कोई लैग कोई स्टटर मुझे फेस नहीं हो रहा। बाकी खेलनी मुझे नहीं आती वो एक अलग बात है, ठीक है, मतलब मैं बिल्कुल बाट हूँ, आप लोगों को पता है मैं एमुलेटर प्लेयर हूँ, मोबाइल प्लेयर नहीं हूँ, और मोबाइल की सेटिंग्स मैंने आज ही की हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा गेम पे हाथ बिठाने में। लेकिन मतलब गेम इस पे ज़ीरो लैग पे चल रही है, वो एक मज़े की बात है। नाइस, बहुत प्यारा बहुत प्यारा। थोड़ा हमाद को बनाने में वीडियो परेशानी होगी, क्योंकि भाई मैं जो हूँ ना, मैं उसको बेचारे को लगाया, क्योंकि हमारे पास भाई इतना बड़ा कोई हैवी कैमरा सेटअप तो है नहीं, ठीक है, तो उसको मैंने कहा कि वीडियो रिकॉर्ड कर दे, तो थोड़ा टेंशन होगी आपको, थोड़ी वीडियो मतलब ऐसे 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 डोल रही होगी, लेकिन नहीं खैर कोई नहीं, काम चलाओ और मेन चीज़ देखो जो आपको देखनी है। अरे भाई साहब
सही। क्या क्या बात, और थोड़ा खड़ा होके खेल रहा हूँ ना तो थोड़ा और परेशानी भी हो रही है भाई। मतलब बैठ के खेलना एक अलग सीन होता है, लेकिन खड़े रह के खेलना बहुत मुश्किल सा हो रहा है। नाइस, बहुत प्यारा। मतलब यार ये चीज़ चेक करोगे, गेम की स्मूथनेस चेक करना, मेरा गेम प्ले देखने की ज़रूरत नहीं है, गेम को आप चेक कर सकते हो। आपने मोबाइल लेना है, बेसिक चीज़ है, आपने मोबाइल परचेज करना है, तो आपके मोबाइल पे गेम कैसी चल रही है ये चीज़ चेक करना, ठीक है। मतलब गेम मोबाइल पे कैसी चल रही है ये चीज़ देखो आप। और मेरा तो पहली बार है भाई, मैंने बहुत अरसे पहले फोर फिंगर खेला था और मैंने इसी सेटिंग पे खेला था जो मैंने इस पे की है, इस मोबाइल पे जो मैंने सेटिंग की है उसी पे खेला था। और देखते हैं कि क्या बनता है भाई। अभी तक तो सिर्फ 5 किल निकले हैं बड़ी मुश्किल से, कोई कोई आइडिया नहीं था मुझे। ग्रोदा चला के देख लेते हैं और एक बार इसको HD हाई क्वालिटी पे करके भी देख लेंगे। और एक और चीज़ मैंने जो कर रखी है वो मैंने ये किया है कि इसको कम्पिटिटिव मोड पे रखा हुआ है गेम स्पेस में, और 5000 मेगाहर्ट्ज की बैटरी पे आप 12 घंटे लगातार पबजी खेल सकते हो। ये सबसे यूनिक बात है भाई, मतलब दावा है इनका रियलमी का कि आप 12 घंटे लगातार पबजी खेल सकते हो। भाई मैं तो मौत के घाट उतरता जा रहा हूँ, बार बार मौत के घाट उतर रहा हूँ भाई हर मोमेंट के बाद। तो बहुत मुश्किल हुआ है भाई मेरे लिए ये वीडियो रिकॉर्ड करना। भाई मुझे शर्मिंदगी भी हो रही है कि मैं बार बार मारा जा रहा हूँ और ये चीज़ बड़ा वो कर रही है मेरे लिए कि भाई ये मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन ये जुल्म है, एक ज्यादती है मेरे से। कह रहा भाई क्या नोबड़े हो तुम लोग, आप इनको फोन बताएं भाई कि मैं पहली बार मोबाइल से खेल रहा हूँ। नाइस, देखते हैं हम जीत पाएंगे कि नहीं। मुझे डाउट ही है भाई, मैंने तो कुछ किया नहीं अपनी टीम। मतलब हेलो अगेन से, और वो इसलिए भाई कि हमारी जो है मोबाइल की चार्जिंग एंड हो गई थी जिस मोबाइल से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ऐसा है उसी टाइम दोबारा बना रहा हूँ। इंशाल्लाह इसका मैं पूरा रिव्यू दोबारा से बनाऊँगा इस मोबाइल का कुछ टाइम इस्तेमाल करने के बाद, तकरीबन 2-3 हफ्ते के बाद। मतलब एक कंप्लीट रिव्यू वापस आपके लिए आएगा। अभी ये नया है, बिल्कुल नया है, और अभी के लिए तो मेरा ज़्यादा ख्याल है कि ये लैग फ्री ही चलाएगा इसको। लेकिन थोड़ा टाइम इस्तेमाल होने के बाद पता चलेगा कि ये चार्जिंग कितने टाइम में करता है, ये कैसा चलेगा, ये सब कुछ मैं आपको कंप्लीट टेस्ट करके मैं आपको रिव्यू दूंगा इसका। तब तक के लिए रखो अपना बहुत सारा ख्याल, और भाई जोकर गेमिंग को सब्सक्राइब कर दो। इंशाल्लाह ऐसे ही प्यारे प्यारे रिव्यू वीडियोस और भी लाऊंगा, जितना मेरे से हो सकता है भाई मैं आप लोगों के लिए करता हूँ। और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आईपैड पे कन्वर्ट भी हो जाऊँगा, मे बी नेक्स्ट सीज़न हो जाऊँ, अभी ना हो पाऊँ, लेकिन नेक्स्ट सीज़न भी हुआ तो भाई आपका भाई लाजमी आईपैड पे आएगा, और एक दिन ज़रूर आएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।